ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला प्रशासन ने सोलन बस ऑपरेटर्स के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने की। इस मौके पर उपायुक्त सोलन ने बस चालकों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसी भी सूरत में ओवरलोडिंग ना करें, साथ में उन्हें जरूरी हिदायतें भी दी गई। जिला प्रशासन ने सोलन बस ऑपरेटर्स के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने की। इस मौके पर उपायुक्त सोलन ने बस चालकों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसी भी सूरत में ओवरलोडिंग न करें, साथ में उन्हें जरूरी हिदायतें भी दी। बस ऑपरेटर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे नियमों में किसी भी तरह की कोताही बरतते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने कहा कि ओवरलोडिंग की वजह से कुल्लू जैसा हादसा और कहीं ना हो, इसके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बस चालकों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है इस बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि बस चालकों को बताया गया कि चालक किसी भी सूरत में मोबाइल का उपयोग न करे और उन्हें कुशल चालक रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बस ऑपरेटर्स को बताया गया है कि निजी बसें हों या सरकारी, किसी भी तरह से ओवरलोडिंग न होने दें। तो जितने भी बस ऑपरेटर्स हैं उनके साथ बैठक करना, क्योंकि अभी जो कुल्लू जिला में हादसा हुआ बस का, जिसमें करीब 45 के करीब पैसेंजर अपनी जान गंवा चुके हैं, ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, तो ऑपरेटर्स के जितने बस ऑपरेटर्स हैं उनके साथ बैठक करी गई थी। उनको बताया गया है कि मोबाइल का प्रयोग ना करें, अपने निपुण ड्राइवर ही इंगेज करें उसके लिए, और जहां तक ओवरलोडिंग ना करें और ओवर स्पीडिंग ना करें, और साथ में जहां ज़रूरत है और बसेस की मैक्सी कैब्स की परमिट देने की, तो वो रूट्स चिन्हित करके कंसर्न SDM के ऑफिस में या RTO साहब के दफ्तर में दे दें। तो मेरा पूरे जिला के जितने भी बस ऑपरेटर्स हैं, बेशक वो HRTC वाले, ओवरलोडिंग ना करें। छत पे सफ़र करना या लटक के जाना वो अपनी जान को जोखिम में डालने वाली बात है सारी। उसमें बस का भी नुकसान होता है और साथ में जो कम्यूट कर रहे हैं ट्रेवलर्स हैं उनका भी नुकसान होता है।